विद्यालयों की बदहाली और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको विद्यालय की एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आपकी कल्पना भी कुंठित हो जाएगी। जी हाँ, बच्चों की जिंदगी और उनके भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की भयानक तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से निकलकर सामने आई है, जहां प्राथमिक स्कूल में बच्चों को मौत के साय में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है और वो भी बिना शिक्षक के शिक्षा प्रदान की जाती है। सरकार गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपनों को संवारने के लिए शिक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने के लिए कायाकल्प जैसी योजना चला रही है। खूब पढ़ो और खूब बड़ो के सपने को साकार करने के लिए अनेकों कार्यक्रम भी जन जन तक पहुंचा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी बहुत से प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जो बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। हम यहाँ 2009 से, मेरी नियुक्ति यहीं हुई थी। कब से शिक्षक यहाँ, कब से नहीं हुई शिक्षक? जब से किरण लता श्रीवास्तव रिटायर हुई है तब से कोई नहीं है, 2015-16 से। तो बच्चों की संख्या क्या है? बच्चों की संख्या यहाँ 47 बच्चे हैं। तो ये विद्यालय की स्थिति क्या है? विद्यालय की स्थिति यही है कि ये जब पूरी बिल्डिंग भी जर्जर है और यहाँ कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है। प्रदेश सरकार की कायाकल्प जैसी तमाम योजनाओं को आंख दिखाती ये तस्वीर गोंडा जिले के पुलिस लाइन की है, जहां प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिस कारण बच्चों को मौत के साए में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संभावित हादसों से बचने के लिए बच्चे खुलेआम आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में उन्हें मौत के साए में जीना पड़ता है। प्राथमिक स्कूल के बिल्डिंग भवन की छत और दीवारों के साथ ही फर्श पर गंदगी का अंबार है, शौचालय टूटे पड़े हैं और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है, जिस कारण पढ़ने वाले बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर है, जिससे ये स्कूल अब गुमनामी का शिकार होता जा रहा है। पूरा खंजाड़ है क्या? क्लास उलास, इसलिए कोई नहीं आता है। तो इसका कोई ख्याल करने या देखने उपने आता नहीं है? कोई नहीं आता है। तो इसमें शौचालय वगैरह क्या है, पानी टोटी वोटी लगा है? नहीं लगा है। फिर कहाँ जाते हो बेटा, बाहर जाते हो? हाँ। कहाँ जाते हो? ये पीछे खुले में जाते हो? हाँ। खुले में कहाँ के लिए जाते हो? ये इधर पीछे। इतना ही नहीं, बच्चे अपने भविष्य के अंधकार को दूर करने के लिए स्कूल आते हैं, ठंडी गर्मी और मौत के साए का सामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल में कोई शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं है। पिछले 7 सालों में एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं हो सकी है। शिक्षा मंत्री के सहारे स्कूल चलाया जा रहा है, जिस कारण दिन ब दिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। इस तरह देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। वहीं जिले के हुक्मरानों के कार्यालय और आवास विद्यालय के महज चंद कदम की दूरी पर ही पड़ता है, लेकिन मौत को दावत दे रहा जर्जर विद्यालय और बच्चों का बर्बाद हो रहा भविष्य, हुक्मरानों के कोई फर्क उनको उससे नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले सभी बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। जर्जर विद्यालयों की लिस्ट हमारे पास आई है। इस बार लगभग 565 विद्यालय पूरे जनपद में जर्जर थे। इनमें से 255 विद्यालयों का मूल्यांकन आ गया है, जिनका ध्वस्तीकरण, नीलामी के बाद ध्वस्तीकरण इस साल कराया जाना है। ध्वस्तीकरण के बाद जो पैसा बचता है वो SMC के खाते में जमा करा दिया जाता है। बाद में पुनर्निर्माण के लिए सरकार से पैसा मिलता है तो पुनर्निर्माण कराया जाता है। शिक्षक ना होने का नगरीय क्षेत्र में थोड़ी समस्या है, क्योंकि एक अलग कैडर है। बहुत सारे शिक्षक बीते वर्षों में रिटायर हो चुके हैं, तो बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए विकल्प तलाशा जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसे ही कुछ विकल्प निकल के आता है तो शिक्षकों को अपॉइंट किया जाएगा। विद्यालयों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार भले ही कायाकल्प योजना चला रही हो, और उस योजना के अंतर्गत भले ही विद्यालयों के तस्वीर और तकदीर बदलने की बात भी कही जा रही हो, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन पे, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये विद्यालय है, नगरीय क्षेत्र में है, लेकिन इसकी जर्जर हालात की जो तस्वीर आपको दिखाएंगे शायद आप देखकर खुद ही हैरत में पड़ जाएंगे कि ये नगरीय क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय है, जो आप साफ तौर से देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लासरूम में, और नीचे कितनी गंदगी भरी हुई है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ईंटें और पत्थरों का जो है एक यहाँ पर अंबार लगाया गया हुआ है। क्लासरूम का दरवाजा है पूरी तरीके से सड़ चुका है, और ये बदहाली की एक ऐसी तस्वीर है।
कि जिसे शायद ही कोई तस्वीर निकल कर देखने को मिले। ब्लैक बोर्ड भी इसी क्लास में मौजूद है। इसी के साथ साथ हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए शौचालय की जो व्यवस्था की गई है वो किस हाल में है, वो आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि विद्यालय में शौचालय तो बना है लेकिन उसमें ना कोई टोटी है, ना कोई पानी है, ना कोई इस तरीके की व्यवस्था है, पूरी तरीके से क्लॉट पड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं जहां ये विद्यालय जर्जर और बदहाली की जहां आंसू बहा रहा है, वहीं पिछले 4-5 सालों से यहां कोई एक शिक्षक की तैनाती नहीं हुई है और एक शिक्षा मित्र के भरोसे ये पूरा विद्यालय चलाया जा रहा है, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीर है। जहाँ इस तरीके के अधिकारियों की और सरकार एक तरफ दावे जरूर करती है, निर्देश देती है, तमाम पैसे खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये तस्वीर निकल कर सामने आती है तो अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीर है। अब देखना होगा कि इस बदहाली के आंसू बहा रहा विद्यालय के लिए संबंधित अधिकारियों पर सरकार कब और कैसी कार्रवाई करती है। MKN न्यूज़ चैनल के लिए गोंडा से तुफैल खान।